वेलकम इन अरमान इंग्लिश क्लासेस। तो आज अपने पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आएँ वो सारे वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस में आते हैं। अब इसका पैटर्न सब्जेक्ट, उसके साथ विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, ये इसका पैटर्न है। अब आई और वी के साथ सेल का प्रयोग और शेष के साथ विल का प्रयोग होगा। आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट यदि है तो उसके साथ विल का प्रयोग होगा। अब देखते हैं सेंटेंस। वह कहानी पढ़ेगा, गा से इसकी पहचान होगी कि यह फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद अपने इसमें देखेंगे वह है सब्जेक्ट, कहानी ऑब्जेक्ट और पढ़ना वर्ब रीड। अपन पैटर्न के हिसाब से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे वह मतलब ही, तो ही के साथ, क्योंकि ही यहाँ पे आई वी है नहीं, उनके साथ सेल लगेगा तो ही आता है शेष में, शेष के साथ लगाना विल, ही विल। उसके बाद पढ़ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ही विल रीड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टोरी। तो वह कहानी पढ़ेगा, ही विल रीड स्टोरी। दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ूंगी, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगी, तो गी इसकी हो गई पहचान। मैं सब्जेक्ट, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट और पढ़ना वर्ब। अब इसको बनाते हैं, मैं सब्जेक्ट आएगा आई, आई के साथ, क्योंकि आई वी के साथ सेल लगाना है इसलिए इसमें लगेगा आई शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई शैल रीड। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई शैल रीड, आई शैल रीड इंग्लिश। अब देखते हैं इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिन वाक्यों में एडवर्बियल्स टुमारो या नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ आए, नेक्स्ट डे, डे में भी नेक्स्ट मंडे संडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, ये कीवर्ड आए, वो सारे सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस में आते हैं। अब लेते हैं एग्जांपल, वी डैश 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 क्रिकेट टुमारो। तो इसके अंदर टुमारो जो शब्द है वो कीवर्ड, इससे पहचान होगी फ्यूचर सिंपल टेंस की। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो वी, और वी के साथ आई और वी के साथ सेल लगेगा, और साथ में मेन वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है, वी सेल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो इसका आंसर है डी सेल प्ले। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही डैश 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 हिज कार नेक्स्ट ईयर। तो इसमें जो नेक्स्ट और साथ में ईयर, ये इसकी पहचान है कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ही डैश 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 हिज कार नेक्स्ट ईयर, यहाँ से पहचान करने के बाद अपने को देखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें ही है, तो ही के साथ लगेगा विल, और मेन वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म, तो ही विल सेल हिज कार नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल अपनी कार बेचेगा, तो विल सेल, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई डैश 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 ए सॉन्ग नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट और साथ में दिया है संडे, यहाँ से पहचान होगी कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद देखना है सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ शैल का प्रयोग होगा, साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो आई शैल सिंग, आई शैल सिंग ए सॉन्ग नेक्स्ट संडे, तो शैल सिंग यानी कि डी, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, आई शैल सिंग ए सॉन्ग नेक्स्ट संडे।
तो आशा है आपको ये टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।